जय हिंद मित्रों, आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट का 21वां सेट लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 21 का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रित शोध पद्धति कहलाती है। ए कार्योत्तर पद्धति, बी सर्वेक्षण पद्धति, सी व्यस्त अध्ययन पद्धति और डी प्रयोगात्मक पद्धति। तो इसमें पहले में देखते हैं कौन सा है, इसमें ए सही है, प्रयोगात्मक पद्धति। नेक्स्ट देखते हैं, विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः खाली स्थान है होती है। ए है एक रेखी, बी है नीचे से ऊपर की ओर, सी अंतर क्रियात्मक और डी क्रियान्वितकारी। तो दूसरा देखते हैं इसमें कौन सा है, इसमें डी सही है, क्रियान्वितकारी। नेक्स्ट, शोध की किस विधि में निराश्रित चर में हेर फेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण ना तो संभव है और ना ही वांछनीय। ए है प्रयोगात्मक विद, बी कार्योत्तर विद, सी ऐतिहासिक विद, डी वर्णनात्मक सर्वेक्षण विद। तो इसमें तीसरे में देखते हैं कौन सा है, तीसरे में बी सही है, कार्योत्तर विद। नेक्स्ट, एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं, यह कथन निम्न में से किसको इंगित करता है। ए अनुसंधान परिकल्पना, बी शून्य परिकल्पना, सी दिशात्मक परिकल्पना और डी सांख्यिकी परिकल्पना। तो चौथा देखते हैं कौन सा है, इसमें चौथा बी सही है, शून्य परिकल्पना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आधार पर ज्यां प्याजे ने मानव विकास का संज्ञात्मक सिद्धांत दिया। ए मौलिक अनुसंधान, बी प्रायोगिक अनुसंधान, सी क्रियात्मक अनुसंधान और डी मूल्यांकन अनुसंधान। तो पाँचवा देखते हैं कौन सा है, पाँचवें का ए सही है, मौलिक अनुसंधान। नेक्स्ट, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है जिसे निम्नलिखित में और उपविभाजित किया जाता है। ए क्लस्टर्स, बी सेक्टर्स, सी है वेक्टर्स, डी है हेड्स। तो छठा देखते हैं कौन सा है, इसमें सेक्टर्स है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवहार मशीनी भाषा में अनुवादित करता है उसे कहते हैं। ए कंपाइलर, बी सिमुलेटर, सी ट्रांसलेटर और डी इंटरप्रेटर। तो सातवां देखते हैं कौन सा, इसमें डी सही है, इंटरप्रेटर। नेक्स्ट देखते हैं, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। ए करेक्टर से बिट्स, बी उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा, सी मशीनी भाषा से उच्च स्तरीय भाषा, डी है वर्ड से बिट्स। तो आठवां देखते हैं कौन सा है, इसमें बी सही है, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा। नेक्स्ट, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा। ए 1953, बी 1963, सी 1971 और डी 1969। तो नवा क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन सा, इसमें डी सही है, 1969 में रखे थे। नेक्स्ट, मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। ए दामोदर, बी बराकर, सी कुनार और डी जो है बोकारो। तो दसवां देखते हैं कौन सा है, इसमें बी सही है, बराकर नदी पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट, तमिलनाडु में मानसून के समय महीने कौन से हैं। ए मार्च अप्रैल, बी जून जुलाई, सी सितंबर अक्टूबर और डी नवंबर दिसंबर। तो ग्यारहवां देखते हैं कौन से, इसमें डी सही है, नवंबर दिसंबर। नेक्स्ट, तपोवन और बिष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। तो बारहवां देखते हैं कौन सा, इसमें बारहवां सी है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, पर्यावरण से अभिप्राय है। ए भूमि जल वायु पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी उन शांतपूर्ण दिशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। और सी है
भौतिक जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, और डी है उपयुक्त सभी। तो 13वां देखते हैं कौन सा सही है, इसमें डी सही, उपयुक्त सभी है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ए वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है, बी सौर विकिरण के प्रावैगनी अंश को अवशोषित करती है, सी सौर संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है, और डी है सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। तो इसमें 14वां देखते हैं कौन सा है, इसमें डी सही है, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है, ग्रीन हाउस गैस हैं, स्रोत हैं, ए कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, सी नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, और डी है सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे। तो इसमें सुमेलित नहीं है कौन सा, ये पूछा है। तो 15वां देखते हैं कौन सा है, इसमें बी सही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल क्षेत्र से नहीं निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, ए संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, बी रक्षा मंत्री, सी वित्त मंत्री, डी प्रधानमंत्री। तो 16वां देखते हैं कौन सा, इसमें इसमें डी सही है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल ए किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, बी एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, और सी है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, और डी है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो 17वां देखते हैं कौन सा सही है, इसमें सी सही है, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है, ए बलवंत राय मेहता समित, बी अशोक मेहता समित, सी जी वी के राव समित, और डी सरकारी आयोग। तो 18वां देखते हैं, इसमें इसमें बी सही है, अशोक मेहता समित। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है, ए लोकसभा के सदस्य, बी पंचायत के सदस्य, सी मंत्रिमंडल के सदस्य, डी मजदूर संघ के सदस्य। तो 19वां देखते हैं कौन सा, इसमें इसमें डी सही है, मजदूर संघ के सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, ए 315, बी 316, सी 317, और डी 318। तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, इसमें सी है 317। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, ए महाभिनिष्क्रमण, बी संबोध, सी प्रथम उपदेश, डी निर्वाण। तो 21वां देखते हैं कौन सा है, इसमें प्रथम उपदेश सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया, ए ईश्वरचंद विद्यासागर, बी राजा राम मोहन राय, सी महादेव गोविंद रनाड़े, और डी राज नारायण बसु। तो 22वां देखते हैं कौन सा है, इसमें बी सही है, राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, ए के एम पन्नीकर, बी एन एन श्रीनिवास, सी रजनी कोठारी, डी योगेंद्र सिंह। तो 23वां देखते हैं कौन सा सही है, 23वां में ए सही है, के एम पन्नीकर ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था, ए नवजीवन, बी इंडिया गजट, सी अफ्रीकनर, और डी इंडियन ओपिनियन। तो 24वां देखते हैं, 24वां बी सही है, इंडिया गजट, 24वां डी सही है, इंडियन ओपिनियन सही है, इंडिया गजट नहीं है, 24वां डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2021 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया, ए गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य,
बी नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, सी कावर पक्षी पक्षी झील कावर झील पक्षी बिहार, और डी है कुशेश्वर आस्थान पक्षी अभयारण्य। तो 25वां देखते हैं कौन सा, इसमें इसमें बी सही है, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी, ए 1970, बी 1975, सी 1990 में और डी 1992 में। तो 26वां देखते हैं कौन सा, इसमें डी सही है, 1992 में लागू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा शुल्क का भुगतान करना होगा। दो नंबर है, यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे की बीमाकृत करती है, कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है, हैं देखते हैं, ए है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो 27वां देखते हैं कौन सा, इसमें 27वां बी सही है, केवल दो सही है, ये सही है, एक गलत है। तो नेक्स्ट देखते हैं 28वां, विजन 2024 इंडिया दस्तावेज संबंधित है, एक कृषि विकास से, बी औद्योगिक विकास से, सी विकसित राष्ट्र से और डी गरीबी उन्मूलन से। तो 28वां देखते हैं, इसमें सी सही है, विकसित राष्ट्र से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना किस राज्य में की जा रही है, ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। 29 इसमें डी सही है, गुजरात में की जा रही है। मित्रों, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, मित्रों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो देखते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, निर्माणाधीन त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर स्थित है, ए फेनी नदी, बी मानस नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी और डी पद्या नदी। तो 30वां का देखते हैं कौन सा है, इसमें बी ए सही है, फेनी नदी पर स्थित है। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।